Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. आज के इस फ्रेश एपिसोड में गाइस मैं बात करने वाला हूँ बैकलैश 2024 के हर एक मैच के पॉसिबल विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स जो कि हमको देख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए गाइस ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप बैकलैश 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने वाले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। सो गाइस ब्रांड एमेज का हम लोग बात करते हैं कि जो कि पॉसिबली हो सकता है शो का ओपनिंग मैच फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पे जो कि हमारी करेंट WWE वुमेन्स चैंपियन गाइस बेली गाइस उनकी चैंपियनशिप गाइस ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करते हुए दिखने वाली है अगेंस्ट नेओमी एंड टिफिनी स्ट्रैटन। गाइस जैसे कि आपको पता है गाइस तब से गाइस टिफिनी स्ट्रैटन ने गाइस मेन रोस्टर पे डेब्यूट किया है, गाइस उनको फैंस का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मिला है। अभी भी एलिमिनेशन चेंबर 2024 में गाइस पूरी ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस है गाइस ऑडियंस वाके गाइस वो इतना चीयर कर रहे थे टिफिनी स्ट्रैटन के लिए, हमको लग भी गया एक मिनट के लिए कि टिफिनी स्ट्रैटन वो मैच भी जीत सकती है। और जो रीसेंट में गाइस जो प्यार और सब सपोर्ट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने टिफिनी स्ट्रैटन के लिए दिखाया डेफिनेटली प्रूफ करता है कि टिफिनी स्ट्रैटन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ्यूचर स्टार है। तो क्या पॉसिबली बैकलैश वो समय है कि टिफिनी स्ट्रैटन हमको बनते हुए दिखने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स चैंपियन? तो मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस इतने जल्दी गाइस टिफिनी स्ट्रैटन को टॉप पे जा ले गए। मुझे लगा डब्ल्यूडब्ल्यू गाइस थोड़ी तो गाइस टिफिनी स्ट्रैटन को गाइस थोड़ा बिल्ड करने वाली है एज अ मेन इवेंट स्टार और उसके बाद गाइस वो टिफिनी स्ट्रैटन को चैंपियन बनाया गया। और गाइस जो बेली गाइस वो अभी रिसेंटली ही गाइस लाइक लिटरली एक महीने पहले ही रेसलमेनिया में जीत के आई है डब्ल्यूडब्ल्यू की वुमेन चैंपियनशिप। मुझे चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि बेली वो मैच हारेगी क्योंकि उनका पहला डिफेंस होने। तो मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि जो कि हमारी करंट वुमेन चैंपियन बेली गाइस उनकी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन करते हुए दिखने वाली है एट बैकलैश 2024। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है और टैग टीम मैच बिटवीन द ब्लड लाइन मेंबर्स द न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा एंड हिज MFT टामा टोंगा एंड वाइज मैन पॉल हेमन वर्सेस केविन ओवेंस एंड वाइपर रैंडी ऑर्टन। बहुत ही वियर लग रहा है कि ब्लड लाइन के नए ट्राइबल चीफ बन गए हैं सोलो सिकोवा। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो कि हमारे पॉल हेमन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि सोलो सिकोवा रोमन रेंस के ऑर्डर के बिना काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमको पता है कि पॉल हेमन फोर्सफुली काम कर रहे हैं सोलो सिकोवा और टामा टोंगा के साथ, तो कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए देख सकता है? तो जैसे हमको पॉसिबली गाइस मैच में एक सरप्राइज रिटर्न होते हुए देख सकता है और वो सरप्राइज रिटर्न गाइस रोमन रेंस का नहीं होने वाला है। तो गाइस सरप्राइज रिटर्न गाइस सरप्राइज डेब्यूट जो कि होने वाला है जैकब फाटू का। गाइस जैकब फाटू गाइस बिलोंग करते हैं जिमी एंड जे उसो और सोलो के फैमिली ट्री में, और पॉसिबली गाइस जैकब फाटू गाइस हमको मैच में इंटरफेरेंस करते हुए दिखने वाला है जिसके वजह से गाइस जो कि सोलो सिकोवा और टामा टोंगा गाइस उनको ये मैच में विन मिलेगा। क्योंकि गाइस सोर्स से रिपोर्ट मिली है कि गाइस WWE प्लान कर रहे हैं कि वो जैकब फाटू को ऐड करने वाली है सोलो सिकोवा के नए ब्लड में, तो पॉसिबली ये मैच में गाइस जैकब फाटू इंटरफेरेंस के द्वारा मदद करते हुए दिखेंगे सोलो सिकोवा और टामा टोंगा के मैच में जीतने के लिए, और फिर जैकब फाटू ज्वाइन करेंगे सोलो सिकोवा की नई ब्लड लाइन को और पॉसिबली ये चीज लीड करते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस के इवेंचुअल रिटर्न के बारे में। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स, जहां पे जो कि हमारे करंट WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस द डैमेज कंट्रोल मेंबर्स कबुकी वॉरियर्स कैरी सेन एंड ऑस्का गाइस उनके चैंपियनशिप्स डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं जेट कारगिल एंड बियांका बेलर। गाइस मुझे लगता है बहुत ही बड़ी ड्रीम टीम है सब फैंस की कि जेट कारगिल और बियांका बेलर एक साथ काम कर रहे हैं। हमको तो पता है कि हमारी बियांका बेलर तो गाइस बहुत ही बड़ी साइड डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और जेट कारगिल को गाइस तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेब्यूट किया है तब से गाइस उनको दिखाया है इतना स्ट्रांग है, डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रांग टैग टीम होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस मैच में हमारे जो कि जेट कारगिल और हमारी बियांका बेलर गाइस उनके बहुत ही हाई चांसेस है कि वो हमको ये मैच में जीत वो दिखने वाले हैं WWE के वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। बिकॉज फैंस भी बहुत ही खुश है ये टैग टीम से, और मुझे लगता नहीं है कि इतने स्ट्रॉन्ग टीम को गाइस WWE हराने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस मैच में हमको टाइटल चेंज दिखने वाला है और जो कि हमारे जेट कारगिल एंड बियांका बेलर है गाइस हमको बनते हुए दिखने वाले हैं WWE के नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एज बैकलैश 2024।
फिर गाइस बात करते हैं शो के मेन हाइलाइट, शो के मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां पे जो कि हमारे करंट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द जजमेंट डे मेंबर डेमियन प्रीस्ट गाइस उनके चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं अगेंस्ट मेन इवेंट जे उसो। जैसे कि गाइस हमको पता है कि जे उसो ने गाइस रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के नंबर वन कंटेंडर का मैच जीत के डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज करने का राइट अर्न किया था फॉर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट बैकलैश 2024। तो क्या पॉसिबली हमारे जो कि जे उसो है क्या पॉसिबली डिट्रोन करते हुए देख सकते हैं डेमियन प्रीस्ट को? तो मुझे गाइस थोड़े चांसेस ऐसे लगते हैं कि हमारे डेमियन प्रीस्ट के थोड़े चांसेस है कि मैच में उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारते हुए देख सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हमको जून में गाइस क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट दिखने वाला है जो कि गाइस होने वाला है ग्लासगो में स्कॉटलैंड में, जो कि है हमारे ड्रू मैकइंटायर का होम टाउन। और पॉसिबली मुझे लगता है गाइस ये वो जगह होने वाली है जहाँ पे गाइस हमको ड्रू मैकइंटायर जीतते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और जैसे हमको पता है गाइस ड्रू मैकइंटायर को अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है तो इधर वो दो स्टार्स को फेस करते हुए देख सकते हैं जो कि रिसेंट में उनके बहुत ही बड़े राइवल्स रहे। एक रहे मेन इवेंट जे उसो और दूसरे रहे हमारे डेमियन प्रीस्ट। लेकिन मुझे लगता है गाइस जे उसो के साथ गाइस जरूर जा सकती है एज अ ड्रू मैकइंटायर चैलेंजर, क्योंकि मुझे लगता है गाइस ये हम लोग को जो जे उसो और ड्रू मैकइंटायर की जो स्टोरी है गाइस वो बहुत ही पहले लेके जाते हैं जो कि क्लैश एट द कैसल 2022 में है, जहाँ पे रोमन रेंज ने ड्रू मैकइंटायर को उनका मोमेंट नहीं दिया था उनके खुद के लोगों के सामने, तभी रोमन रेंज ने ड्रू मैकइंटायर को हरा के रिटेन कर ली थी तभी के टाइम अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जैसे हमको पता है कि ड्रू मैकइंटायर को जे उसो कभी पसंद नहीं थे, तो इसलिए पॉसिबली गाइस जरूर ऐसा कर सकते कि बैकलैश में गाइस जे उसो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता के वो दिखा सकती है क्लैश एट द कैसल में वो ड्रू मैकइंटायर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए गाइस देखिए तो लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट के गाइस में एक सेफर स्वर्ड जाएगा कि डेमियन प्रीस्ट हमको मैच में जीतते हुए देखने वाले हैं और सक्सेसफुली होंगी WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए देखने वाले हैं एट बैकलैश 2024। फिर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं शो के मेन हाइलाइट, शो के मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जहाँ पे जो कि हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन द अमेरिकन नाइट में कोडी रोज गाइस उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए टिकने वाले हैं अगेंस्ट द फनामल वन एजे स्टाइल्स। जैसे कि हमको पता है कि गाइस कब से कोडी रोज ने रोमन रेंस की 1316 डेज की रेंग खत्म की है, मीना 40 में उनका पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है। और जैसे हमको पता है एजे स्टाइल्स ने गाइस नंबर वन कंटेंडर्स का टूर्नामेंट जीत के ये राइट अर्न किया था कोडी रोज को चैलेंज करने के लिए फॉर अ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो क्या हमको पॉसिबली ये मैच में टाइटल चेंज देख सकते हैं? जैसे मैं आपको अभी बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कोडी रोज ने रोमन रेंस की 1316 डेज की रेंग खत्म की है एज दी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब सोचो गाइस ये बंडे ने इतने बड़ी रेन खत्म हुई तो क्या ये इतना जल्दी उनकी चैंपियनशिप हारेगा? तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है कोडी रोज को एक लंबी रेन मिलने वाली मिनिमम 6 महीनों वाली, फिर उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि कोडी रोज पॉसिबली उनकी चैंपियनशिप हारते हुए देख सकते हैं। तब तो मुझे लगता है नहीं कि कोडी रोज उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हुए दिखने वाले है, इसलिए मेरे प्रेडिक्शन के मैच में होने वाली है कि जो कि हमारे द फनामल वन एजे स्टाइल्स है गाइस ये मैच में कोडी रोज को हरा के सक्सेसफुल, सॉरी गाइस हमारे जो कि कोडी रोज से गाइस ये मैच में हमारे फनामल वन एजे स्टाइल्स को हराते हुए दिखने वाले हैं और सक्सेसफुल ये मैच में होंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं। और क्या हमको पॉसिबली ये मैच में रोमन रेंस का रिटर्न होते हुए देख सकते हैं? जैसे कि हमको पता है कि 25 मई को होने वाला है WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाला है। आप सबको पता होगा कि तब से सऊदी अरेबिया के इवेंट्स WWE में चालू है तब से गाइस रोमन रेंस ऑलमोस्ट गाइस 95% ऑफ द टाइम गाइस सऊदी अरेबिया के सब इवेंट्स में गाइस उन्होंने परफॉर्म किया है। मुझे गाइस लगता है एक ही समय जब रोमन रेंस ने गाइस सऊदी अरेबिया में परफॉर्म किया गाइस वो था तभी गाइस रोमन रेंस को लिक्विड में हुआ था, गाइस वो चीज छोड़ के गाइस रोमन रेंस ने हर बार सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव में मैच रेसल किया है। तो पॉसिबली गाइस रोमन रेंस मैच के बाद हमको रिटर्न आते हुए देख सकते हैं, लेकिन गाइस वो सऊदी अरेबिया में गाइस कोडी रोज को नहीं फेस करेंगे फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और पॉसिबली गाइस रोमन रेंस मैच के बाद आगे अनाउंस करते हुए देख सकते हैं कि जो कि किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट चालू होने वाला है रॉ के ऊपर, वहां पे रोमन रेंस टूर्नामेंट में एंटर करने वाले हैं और रोमन रेंस गाइस पॉसिबली किंग ऑफ द रिंग में हमको एंटर करते हुए देखेंगे मैच के बाद, वो पॉसिबली रिटर्न आगे अनाउंस करते हुए देख सकते हैं।
और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे।